नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश कटारिया इस ट्विटर्स अकेडमी पे एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत करता हूँ। देखो दोस्तों, हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था, पब्लिक लाइब्रेरी पढ़ ली थी, उसके बाद में एक टॉपिक रह गया था लाइब्रेरी में अपना, स्पेशल लाइब्रेरी का, तो उसका छोटा सा टॉपिक है कि वो पूरा कर लेते हैं, हम कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। स्पेशल लाइब्रेरी स्पेशल लाइब्रेरी विशेष पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, ठीक है दोस्तों। देखो, वह पुस्तकालय जो किसी विशेष वर्ग तक सीमित हो वह विशेष पुस्तकालय कहलाता है दोस्तों। वह पुस्तकालय जो किसी विशेष वर्ग तक सीमित हो, विशेष वर्ग तक सीमित हो, सीमित हो। देखो दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम थोड़े से एग्जाम्पल। जेल पुस्तकालय, देखो जेल में कैदी रहेंगे, कैदी को भी पुस्तकों की आवश्यकता पड़ती है, पुस्तकों की आवश्यकता सभी को पड़ती है। जो ग्रंथालय विज्ञान का प्रथम सूत्र है उसके अनुसार पुस्तकों का उपयोग होना चाहिए, तो जेल में भी पुस्तकालय बना सकते हैं। तो ये किसी विशेष वर्ग तक अर्थात जेल के कैदी तथा वहाँ के स्टाफ द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यह विशेष पुस्तकालयों की श्रेणी में आएगा दोस्तों, जेल पुस्तकालय। चिकित्सा पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, ठीक है दोस्तों। इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी, विज्ञान पुस्तकालय, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे, किसी विशेष वर्ग तक सीमित हुए पुस्तकालय स्पेशल लाइब्रेरी अर्थात विशेष पुस्तकालय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, जेल पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, इंजीनियरिंग लाइब्रेरी और विज्ञान पुस्तकालय। किसका एक अच्छा एग्जाम्पल होगा, मैप लाइब्रेरी, मैप लाइब्रेरी, ठीक है दोस्तों। ये प्रमुख उदाहरण है विशेष पुस्तकालयों के, स्पेशल लाइब्रेरी के दोस्तों। देखो स्पेशल लाइब्रेरी में जो वित्त की व्यवस्था होती है, वित्त व्यवस्था, ये पढ़ते हैं वित्त व्यवस्था। इसका क्वेश्चन भी आता है, स्पेशल लाइब्रेरी वित्त की व्यवस्था कहाँ से करती है, तो अपने प्रेतक स्रोत से करती है। कहाँ से करती है, प्रेतक स्रोत से, अर्थात जिस संस्था द्वारा पुस्तकालय चलाया जा रहा है वही संस्था वित्त की व्यवस्था करेगी दोस्तों। इसके देखो प्रमुख एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से। नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी 1964 को स्थापना हुई थी, इसकी याद रखना दोस्तों, 1964 को। सीसर, देखो सीसर क्या है, एक सेकंड, सीसर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों।
ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखना दोस्तों, निस्केयर परिसर में स्थित है, निस्केयर परिसर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है ये? निस्केयर परिसर में स्थित है। निस्केयर दिल्ली के अंदर अंदर स्थापित एक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है, जिसको जिसकी चर्चा हम रेफरेंस सर्विस नामक विषय में करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखो जो दूसरा उदाहरण है दोस्तों प्रमुख है, वो है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी दोस्तों, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी एम्स दिल्ली में स्थित है, एम्स दिल्ली में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 1966 के अंदर दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा जो है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी है, इसकी स्थापना एक कमेटी आई थी जेबोर, डॉक्टर जेबोर के अध्यक्षता में उस कमेटी की सिफारिश पे इसकी स्थापना की गई थी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। इसकी स्थापना हेतु सुझाव दिया था डॉक्टर जेबोर ने, डॉक्टर जे भोर ने, और उन्हीं के सुझाव पर अर्थात डॉक्टर जे भोर के सुझाव पर इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। देखो दोस्तों, तीसरी प्रमुख लाइब्रेरी है नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडी कैप। ठीक है दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडी कैप, जो व्यक्ति ब्लाइंड और हैंडी कैप रहते हैं उसके लिए इस लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। ये देहरादून में स्थित है दोस्तों, याद रखना, यह देहरादून में स्थित है दोस्तों, और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में दोस्तों, 1979 में। इस प्रकार ये तीन चार प्रमुख उदाहरण है दोस्तों स्पेशल लाइब्रेरी के, जो मुख्य मुख्य उदाहरण है। तो इस प्रकार हमारा स्पेशल लाइब्रेरी टॉपिक समाप्त होता है। आगे हम नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया नामक टॉपिक शुरू करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।